नमस्कार दोस्तों, साल था 1971 का। उसी समय भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रही, जिसके बाद पाकिस्तान से बयान आया कि हम भी पंजाब को भारत से अलग करके छोड़ेंगे। बात करें बांग्लादेश की तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया, जिसमें मुख्य हाथ था भारत का, और इसी बात से बौखलाकर पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे पहले 1965 में भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ कर मारा था। दोस्तों, अगर आप 1965 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें। उस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किस तरह से पाकिस्तानियों को धोया था। पाकिस्तानी अपना टैंक छोड़कर भाग गए थे। 1971 के युद्ध में जहां सभी देश भारत के खिलाफ खड़े थे, वहीं रूस भारत के साथ अकेला खड़ा था। इसी युद्ध में ताजमहल को गंदे कपड़ों से ढक दिया गया था, जिससे पाकिस्तानी फाइटर प्लेनों को लोकेशन का सही पता ना चल सके। पाकिस्तानी नेवी को भी भारत मूर्ख बनाने में सफल हो जाती है, जिससे उसके आईएनएस गांजी को विशाखापट्टनम में डुबा दिया जाता है। 1971 के समय पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश में अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दिए थे, जिससे मजबूर होकर बांग्लादेशियों को हथियार उठाने पड़े, जिसमें भारत उनको तैयार करने से लेकर सारी जरूरतें पूरी किया, जिसमें मुख्य हाथ था इंदिरा गांधी का, जिन्होंने कहा था अमेरिका हो या सातवां बेड़ा, हम डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे आगे शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कहानी को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम समझ लेते हैं इसके पृष्ठभूमि को, यानी इस युद्ध की जड़ें कहां से जुड़ी हुई थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उस समय बंगाल एक बड़े भाग में फैला था, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो टू नेशंस के थ्रू यानी हिंदू और मुस्लिम के अकॉर्डिंग ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। ये जिन्ना का मत था, जिसे अंग्रेजों ने मान भी लिया, और यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और दूसरा हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पड़ा, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान नाम खत्म हो गया जब बांग्लादेश पूर्णतया आज़ाद हो गया। इसमें सबसे रोचक बात ये है मित्रों, ये जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान है, ये दोनों एक दूसरे से सीधे कनेक्टेड नहीं थे, यानी कोई ऐसा जमीनी रास्ता नहीं था जो इन दोनों को आपस में जोड़ता हो। इसके लिए जिन्ना ने भारत से रास्ता मांगा, जिसे नेहरू जी ने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। कई विशेषज्ञ का मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान को रास्ता दे देता तो भारत के लिए यह हमेशा सिरदर्द बना रहता। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 1965 का युद्ध, अगर पाकिस्तान के पास ये रास्ता रहा होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। तो भारत के नजरिए से ये अच्छा रहा। आगे हम दूसरे कारणों को भी समझ लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जितने भी ऊंचे पद थे उन पर पश्चिमी पाकिस्तान का कब्जा था, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, अन्य उच्च पदों पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही कब्जा रहता था। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से कोई भी ऊंचे पदों पर नहीं जाता था, यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव होता था, उनका हक उनसे छीना जाता था। और चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या का 60% जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी, जिनमें 15% हिंदू रहते थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा थे। आगे आर्थिक कारण भी आपको चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तान की कुल GDP का 70% आयात पूर्वी पाकिस्तान से होता था, जिसमें मुख्य बंगाल में जूट की खेती थी। फिर भी बजट के समय इनके साथ भेदभाव होता था। पूर्वी पाकिस्तान को कुल बजट का सिर्फ 30% ही मिलता था, जबकि पाकिस्तान की कमाई का ये ही मुख्य हिस्सा थे। एक और बड़ा भेदभाव था,
भाषा का। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी और पूर्वी पाकिस्तान में बंगला बोली जाती थी, जिसमें से उर्दू को मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त था और बंगला भाषा को कोई दर्जा नहीं प्राप्त था, जिसे लेकर पूर्वी पाकिस्तान में कई आंदोलन हुए। लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने बहुत संघर्ष किया, कईयों को गोली लगी। ये आंदोलन 7 से 8 सालों तक चलता रहा, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार आंदोलनकारियों के सामने हार गई और 1965 में बंगला को मुख्य भाषा का दर्जा दे दिया। इससे आप समझ गए होंगे कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का भेदभाव था। यही सब कारण था कि वहां के लोगों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा था और इसी बात का फायदा वहां के लोकल नेताओं ने उठाया और एक पार्टी बनाई जिसका नाम था आवामी लीग, जिसे कहा जाता है बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी। और ये पार्टी बंगाल में स्वायत्तता लानी चाहती थी। इस पार्टी के मुख्य लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। आवामी लीग ने 1916 में एक आंदोलन चलाया जिसे जाना जाता है 6 सूत्री के नाम से। इसमें 6 प्रकार की मांगे थी आवामी नेताओं के द्वारा, जिसमें नंबर 1 था संघीय प्रणाली। इसे इसलिए लाया गया था, जब पाकिस्तान बना था तो वह एक संघ के रूप में बना था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, पर इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ताकतवर रही हमेशा से, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हो गया, जिसमें संघीय प्रणाली खत्म हो चुकी थी, यानी राज्यों के पास ज्यादा ताकत नहीं थी जिससे वे निर्णय ले सके। और दूसरी मांग थी विदेशी निर्णय और सुरक्षा को छोड़कर बाकी सभी कानून को बनाने की ताकत राज्यों के पास होनी चाहिए। और तीसरी मांग थी कि इनकी अपनी अलग मुद्रा हो और राजकोषीय नीति जैसे मुद्दों पर पूर्वी पाकिस्तान खुद निर्णय ले सके। और चौथी मांग थी कर निर्धारण की, यह शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए, यानी पूर्वी पाकिस्तान के पास होनी चाहिए। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ज्यादा निर्यात पूर्वी पाकिस्तान से होता था, पर पूर्वी पाकिस्तान को उसका फायदा नहीं मिलता था। और पांचवी मांग थी विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापार और विदेशी मुद्रा का भंडारण राज्य के पास होना चाहिए। ये इसलिए था क्योंकि जूट की खेती से पाकिस्तान की GDP में 70% का हिस्सा था, पर पूर्वी पाकिस्तान में 30% ही हिस्सा दिया जाता था। और छठी मांग थी जो सबसे कठोर थी, जिसे पाकिस्तान हरगिज मानने को तैयार नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान की यानी अपनी खुद की एक अलग नेवी होनी चाहिए, अपनी अलग की मिलिट्री होनी चाहिए। इतनी कठोर मांग से बौखला कर आयूब खान ने मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कुछ 1965 के युद्ध का फैक्ट समझ लेते हैं। 1965 युद्ध वाले वीडियो में आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान में जनरल आयूब खान ने सैनिक बल से तख्ता पलट कर दिया और खुद को सत्ता में ला दिया। वहीं 1969 में आयूब ने फैसला लिया कि वे अपनी जगह पर याया खान को गद्दी पर बैठाएंगे। याया खान में एक मिलिट्री जनरल थे, तो वह भी तानाशाह की तरह 2 साल तक कार्य किए। और ये चुने नहीं गए थे, ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किए गए थे मिलिट्री जनरल के पद से। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान में एक पार्टी थी PPP, जिसे हम जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुखिया थे जुल्फिकार अली भुट्टो। पहले ये आयूब के शासनकाल में विदेश मंत्री थे, पर आयूब से इनकी बात नहीं बनी और ये अपनी एक अलग पार्टी बना लिए। और अब ये जो याया खान थे, ये जब सत्ता में आए तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। अब बात कर लेते हैं इनका पहला इलेक्शन कैसा रहा। रोचक बात यह है कि भारत में आजादी के बाद भारत में 4 इलेक्शन हो चुके थे और 5वें इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, वहीं पाकिस्तान में पहले इलेक्शन के बारे में सोच रहे थे। खैर, आइए बात करते हैं इनका इलेक्शन कैसा रहा। यह इलेक्शन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में हो रहे थे, जिसमें सीटों का बंटवारा मुख्य था, तो जनसंख्या को आधार बनाया गया। जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा थी तो उसे ज्यादा सीटें मिली। टोटल सीटों की बात कर ले तो टोटल सीटें थी 300, जिसमें से पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें तथा पश्चिमी पाकिस्तान में
138 सीटें मिली, जिसमें से बहुमत के लिए 151 सीटों की जरूरत थी। अब चुनाव 3 से 4 महीने ही रह गए थे कि सब अपनी तैयारी में लग चुके थे, तो पूर्वी पाकिस्तान में 2 घटनाएं घटी। एक था बाढ़ का और दूसरा आज भी आप देखते होंगे बारिश के समय बिहार, बंगाल, असम, आज का बांग्लादेश, हर जगह बाढ़ का माहौल बना रहता है। और ऐसी ही घटना 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में घटी और दूसरी घटना थी साइक्लोन की, यानी चक्रवात का। मित्रों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भोला तूफान कब आया था, तो 1970 में यह तूफान आया था। इसने पूर्वी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और इस तूफान में 4 से 5 लाख लोग मारे गए। अब इन दोनों कारणों से जो पाकिस्तान में याया खान की सरकार थी वह पश्चिमी पाकिस्तान से चलाई जा रही थी, तो उसने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ एक हेलीकॉप्टर भेजे लोगों की मदद के लिए, और वहीं भारत भी मदद करने के लिए सामने आया, जिसे ठुकरा दिया गया, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का सरकार के प्रति काफी गुस्सा था। और यही गुस्सा एक महीने बाद चुनाव में फूट पड़ा। दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया। पाकिस्तान में चुनाव के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में PPP जो 138 सीटों में से 81 सीटें और पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग ने 162 में से 160 सीटें मिली। हम सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं। वहीं पूरे पाकिस्तान में 151 सीटों पर ही बहुमत था। यह एक रिकॉर्ड की तरह रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी पार्टी ने इतने बड़े आंकड़े को नहीं छुआ है, 162 में से 160 सीटों का। यह सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान का आंकड़ा था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम उन्हीं देशों की बात कर रहे हैं जहां फ्री एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराए जाते हैं। उन देशों की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर धांधली या अन्य प्रकार का चुनाव होता है। एग्जाम्पल में आप उत्तर कोरिया का चुनाव ले सकते हैं, पर कोई विपक्ष में नहीं होता है तो ऐसे चुनाव की हम बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ था वह फ्री एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन था, इसमें धांधली या अन्य कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन इसी चुनाव के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। रिजल्ट से साफ नजर आ रहा है कि आवामी लीग अब सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि PPP को 81 और आवामी को बहुमत पार 160 सीटें मिली हुई थी। इसके हिसाब से मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में जो राजनेता थे उन्हें यह मंजूर नहीं था कि हमारा प्रधानमंत्री कोई पूर्वी पाकिस्तान से आए। जो कमेटी यह चुनाव कंडक्ट करा रही थी वह अपने कार्यों को कुछ समय के लिए आगे पोस्टपोन कर देती है। अब इस बहुमत को देखकर पश्चिमी पाकिस्तान में खलबली मच गई और गुप्त रूप से राजनेताओं ने आपस में मीटिंग करना शुरू कर दिया। प्लान के हिसाब से पाकिस्तान एक वार्ता कराई, जिसमें याया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान जैसे बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन इस वार्ता का कोई हल नहीं निकला। अब याया खान, जो बिना किसी चुनाव के ही सत्ता में आए थे, वे गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनको शक हुआ कि मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों आपस में मिलकर कहीं हमें सत्ता से ना हटा दें। इसी डर से याया खान ने दोनों को जेल में डाल दिया, और यही याया खान की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मुजीबुर रहमान को ये लोग जेल में बंद किए, वैसे ही पूर्वी पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें शुरू हो गई, लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाने लगी। पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग जो बहुमत में आई थी उसने एक क्वाजी गवर्नमेंट की शुरुआत कर दी, यानी ये सरकार की तरह ही काम करते हैं, छोटे बड़े निर्णय लेना शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान की आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलन कर रहे थे ये बड़े नेताओं को जेल में बंद करना शुरू कर दिए। इससे भी बात नहीं बनी तो लोगों पर गोलियां चलवा दी। 26 मार्च 1971 को आवामी लीग ने यह डिसाइड किया कि वह अब इस दमनकारी सरकार से अलग हो रही है, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है वह अब एक अलग देश के रूप में रहेगा। ये घोषणा मार्च में की जा रही है और चुनाव जनवरी में हुआ था। लंबे समय तक जब सरकार कुछ नहीं की तब यह निर्णय लिया गया। अब 26 मार्च 1971 को आवामी लीग ने जैसे ही आजादी की घोषणा की वैसे ही पाकिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। यह अभी तक का सबसे क्रूर आप
ऑपरेशन रहा। इस आंदोलन में पाकिस्तानी आर्मी ने सारी हदें पार कर दी थी, उसने बच्चियों से लेकर बूढ़ों तक नहीं छोड़ा। इसके बारे में हम और चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले इसी बात पर वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन आ गया था। इस ऑपरेशन में शामिल सैनिकों को कुछ इतिहासकार बाद में कहते हैं वे इंसान नहीं शैतान का रूप धारण कर चुके थे। यह ऑपरेशन 10 महीने तक चला जिसमें 4 से 5 लाख लोगों को मार दिया गया, वहीं 3 से 4 लाख महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद था कि अगर हम शिक्षित यानी पढ़े लिखे लोगों को दबा देंगे तो जो कम पढ़ी लिखी जनता है वो अपने आप ही पीछे हट जाएगी। इसी के तहत इनके टारगेट बने नेशनलिस्ट, सिविलियंस, स्टूडेंट, प्रोफेसर, राइटर, आर्टिस्ट, आवामी लीग के सपोर्टर्स और कुछ हिंदू भी इनके शिकार हुए जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तानी आर्मी यही नहीं रुकी, उसने हमले किए ढाका यूनिवर्सिटी पर जिसमें काफी संख्या में स्टूडेंट मारे गए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी इनकी आवाज दबा ना सकी। अफसोस इस बात का मित्रों, पाकिस्तान सरकार इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश सरकार ने 2010 में एक कमेटी बनाई। ये कमेटी उनको सजा दे रही है जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में रहते हुए उस समय पाकिस्तानी सैनिकों की सहायता की थी। इस नरसंहार में कई ऐसे भी नेता थे जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते हुए भी जनरल याया खान की सरकार को पसंद करते थे, इसी कारण वे सैनिकों की सहायता कर रहे थे। अब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो वे भी शांत नहीं बैठने वाले थे। नरसंहार और इस बर्बरता के खिलाफ लोगों ने हथियार उठा लिए और उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। मुक्ति वाहिनी का मतलब होता है आजादी की लड़ाई। अब इस लड़ाई के बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो अर्बन एरिया यानी शहरी इलाकों में थी और गांवों में मुक्ति वाहिनी का ही कंट्रोल था। मुक्ति वाहिनी लड़ाई के लिए बहुत यूनिक टेक्निक अपनाती थी जिसे गोरिल्ला टेक्निक भी कहा जाता है। इस टेक्निक को अपनाकर वियतनामी अमेरिकी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। वे कभी वियतनाम को सही से जीत नहीं पाए और अंत में अमेरिका वियतनाम छोड़कर चला गया और यही टेक्निक मुक्ति वाहिनी भी अपनाई थी। मुक्ति वाहिनी को भारत ने भी पीछे से सपोर्ट किया। भारत ने मुक्ति वाहिनी को हथियार दिए, उनको ट्रेन किया। जैसे हम अभी करंट की बात करें दलाई लामा की, जो तिब्बत के निवासी हैं और वो भारत में रहते हैं और यहीं से अपनी सरकार चलाते हैं, वैसे ही सेम कंडीशन थी आवामी लीग की। आवामी लीग के कुछ सदस्य भारत में रहकर सबसे पहले अपना झंडा बनाए। हम बात कर लेते हैं भारत इसमें हस्तक्षेप क्यों करता है और क्या कारण थे। शुरुआत में भारत इस युद्ध में न्यूट्रल रहा, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में चारों तरफ युद्ध का माहौल था तो वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेना शुरू कर दिए। इससे भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, कैंप लगाने की व्यवस्था सब भारत को करनी पड़ी। तो भारत को ना चाहते हुए भी इस युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा। भारत ने पहले राजनीतिक व्यूह से दबाव बनाया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व के सभी मंचों पर जाकर इसका विरोध जताया, पूर्वी पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताया, पर इसका कोई असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ा। तो अप्रैल के अंत तक इंदिरा गांधी ने अनाउंस्ड कर दिया कि भारत भी बांग्लादेश की आजादी के साथ है। जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना, हथियार देना, आवामी लीग के क्रांतिकारियों को ट्रेंड करना आदि काम शुरू कर दिए। वहीं इंदिरा गांधी बहुत जल्दी में थी, वे चाहती थी कि जल्द ही सैन्य कार्रवाई करके पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आजाद करा दिया जाए। लेकिन उस समय की सेना अध्यक्ष सैम मानिकशॉ 2 कारण बताकर सैनिक कार्रवाई के लिए मना कर देते हैं। पहला कारण था बंगाल का खराब मौसम जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ और अन्य बीमारियां फैल रही थी, और दूसरा कारण था इससे पहले 1965 के युद्ध में शामिल हुए टैंक। उस युद्ध में जो टैंक यूज किए गए थे उनकी अभी मरम्मत बाकी थी। इसी कारण से मानिकशॉ ने युद्ध को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, जिसे इंदिरा जी मान भी जाती है क्योंकि इंदिरा जी को भी लग रहा था कि जल्दबाजी में की गई सैनिक कार्रवाई के दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं।
हैं, किंतु वे अपने सैन्य विचार को जानना चाहती थी, जिससे वे अपने मंत्रिमंडल के कई तीखे सहकर्मियों को उत्तर दे सके तथा जन समुदाय को भी शांत करा सके। अब ऐसे ही कुछ समय बीत गए और इसी बीच पाकिस्तान में कुछ रूढ़िवादियों ने पाकिस्तान में एक मार्च निकाला, जिसमें नारा दिया, क्रश इंडिया, भारत को कुचल दो। भारत ये सब देख रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। वहीं नवंबर का महीना भी आ गया था, जिसका मानिक शाह को इंतजार था। मानसून जा चुका था, शुष्क मिट्टी अब कठोर हो चुकी थी। वहीं दूसरा फायदा भी मिला, क्योंकि ठंडी का समय आ चुका था। हिमालय के दर्रों में बर्फ जम चुकी थी, जिससे चीन भी बीच में नहीं आ सकता था, तो भारत के लिए ही सबसे अच्छा मौका था। वहीं 3 दिसंबर को पाकिस्तान आनन फानन में भारत के कुछ एयरबेस पर अटैक कर दिया। यह हमला भारत के उत्तर पश्चिम में था, जिसमें भारत के 11 सैन्य अड्डे थे। इस युद्ध की एक रोचक बात, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को गंदे कपड़ों से ढक दिया गया था, जिससे संगमरमर के पत्थर रात में चमक ना छोड़े। अगर ये चमक छोड़ते तो दुश्मन को सही लोकेशन का पता चल जाता। अब इस हमले के बाद भारत ने अपनी सेना को तुरंत मोबिलाइजेशन किया ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान को जवाब देते हुए बहुत तेजी से हमले किए। पूर्वी पाकिस्तान को तो भारत ने तीनों तरफ से घेर लिया था, और 13 दिन चली भीषण लड़ाई के बाद भारत ढाका पर अपना कब्जा कर लेता है। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में लड़ाई अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अब बचा था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें एक प्रमुख लड़ाई थी, जिसे हम लोंगेवाला के नाम से जानते हैं। इसी युद्ध को पूरी तरह बॉर्डर मूवी में दिखाया गया है, जिसमें 120 सैनिक 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा देते हैं। अब पाकिस्तान अपनी हारती हुई थल सेना को देखकर नेवी को भी युद्ध में उतार दिया, जिसमें अपनी प्रमुख समरीन पीएनएस गांजी को छोड़ी। पीएनएस गांजी को भारत की आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन गुप्त जानकारी के बाद भारत वहां से आईएनएस विक्रांत को हटा देता है और वहां पर आईएनएस राजपूत को खड़ा कर देता है, जिसे चालाकी से विशाखापट्टनम के पास पीएनएस गांजी को डुबा देते हैं। और इसी पूरी कहानी पर एक मूवी बनाई गई है, राजी, कैसे भारत के गुप्तचरों ने इस मिशन को अंजाम दिया। अब जैसे ही भारत ने पीएनएस गांजी को डुबाया, वैसे ही बंगाल की खाड़ी पर भारत का कब्जा हो जाता है। वहीं एक इंटरेस्टिंग बात, भारत की नेवी यह युद्ध 4 दिसंबर को ज्वाइन किया था, तो इसी दिन भारतीय नेवी डे भी मनाया जाता है। पाकिस्तान को लगा कि अब हमारी इस युद्ध में बहुत बुरी हार होने वाली है, तो उसने अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि पाकिस्तान कोल्ड वार में अमेरिका के साथ था, तो अमेरिका भी मदद के लिए तैयार हो गया। अमेरिका अपने सबसे बड़े जंगी जहाज 7वां बेड़ा के नाम से प्रसिद्ध उसको युद्ध के लिए भेज दिया। यह बहुत ही खतरनाक युद्धपोत था, इसके साथ कई जंगी जहाज रहते हैं, तो भारत रूस से मदद मांगा और रूस भी भारत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रूस भी अपनी खतरनाक सबमरीन को बंगाल की खाड़ी में उतार दिया। वहीं अमेरिकी सेना भारत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, तो रूस अपनी पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर लाकर एक संदेश दिया कि भारत पर हमला तो रूस पर हमला माना जाएगा, और रूस युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। इतना सुनकर अमेरिका वहां से वापस मुड़ गया। अब दिन आया 16 दिसंबर 1971 का, जिस दिन भारत बांग्लादेश को पूर्णतः आजाद करा देता है। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जेएस अरोड़ा और पाकिस्तानी जनरल एके नाजी एक पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके तहत नाजी और 90,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद नाजी के साथ 90,000 सैनिकों को जेल में डाल दिया गया। वहीं भारत 1925 जनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध कैदियों को रखा और बाद में शिमला समझौते के तहत उनको छोड़ दिया। शिमला समझौते की चर्चा हम आगे करेंगे। पाकिस्तान युद्ध में बुरी तरह हार गया, तो जनरल याया खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सत्ता जुल्फिकार भुट्टो को दे दिया। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बन चुका था, और शेख मुजीबुर रहमान 12 जनवरी 1972 को सत्ता में आ गए, लेकिन 3 साल बाद 1975 बांग्लादेश में सैनिक तख्ता पलट हो जाता है और वहां के जनरल ने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी। लेकिन इनकी 2 बेटियां थीं, जो उस
समय इंग्लैंड में थी, जिनकी जान बच जाती है, उन्हीं में से एक बेटी शेख हसीना जो आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। अब हम बात कर लेते हैं शिमला समझौते का, जो एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंस है। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। नंबर एक था लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। 1919 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान इसके विरुद्ध गया था। दूसरा पॉइंट था, भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों पर कब्जे कर लिए थे उसे पाकिस्तान को वापस करना था। यही कंडीशन 1965 वाले युद्ध में भी थी। भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट था, जो पाकिस्तानी कैदी थे उन्हें पाकिस्तान भेजने थे। चौथा समझौता था कश्मीर का मुद्दा, इसे हम शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ शिमला समझौते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे आगे शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहें, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।